कंपनियों को तेजी से रिस्पॉन्स दिया जाएगा ताकि अलग अलग तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं उनको जल्दी से निपटारा किया जाएगा और कंपनी एक्ट के जगह के जरिए उनको फील्ड ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। शेयर और डिविडेंड, जो निवेशक हैं वो जिन्हें अनपेड डिविडेंड्स और शेयर होता है उनको सुविधा के हिसाब से आसानी से मिल सके। एजुकेशन फंड अथॉरिटी, एक एकीकृत आईटी पोर्टल की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पेमेंट एक जबरदस्त तरीके से स्वीकार्यता उनकी बढ़ रही है। 2022 में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, 76% का इजाफा हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन में और 91% कीमत बढ़ी है। अगर राजकोषीय सपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे देते रहेंगे, 2023-24 में भी हम इनको आर्थिक मदद देते रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बजट पत्र, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम एक बार का एक स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग पत्र, महिलाओं के लिए एक बचत की स्कीम ला रहे हैं जो कि 2 साल के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। मार्च 2025 तक ये उपलब्ध रहेगा। दिस विल ऑफर इससे इसमें दो एक महिला के नाम पर 2 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे, 2 साल के लिए जमा किए जा सकेंगे। इसमें 7.5% का फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा, यानी स्थिर इसमें ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो जो मैक्सिमम अधिकतम जो बचत की स्कीम है 15 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख की जा रही है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर मंथली अधिकतम बचत की सीमा विल बी एनहांस्ड फ्रॉम 4 को बढ़ाया जाएगा, 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख किया जाएगा सिंगल अकाउंट वालों के लिए।